सरकारी निर्णय के अनुसार वैसे पीड़ित परिवार जिनकी डेथ किसी शराब के पीने से हुई है उनको मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है और मुखिया जी लोगों से भी हम लोगों ने प्रतिवेदन प्राप्त किया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध है। क्या जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर अब सरकार मुआवजा दे रही है? 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। आज मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार की ओर से चेक सौंपा गया है। मद्य निषेध विभाग की ओर से ये चेक दिया जा रहा है। जिन लोगों की शराब से मौत हुई उनके परिवार वालों को चेक दिया जा रहा है। क्या चेक मिला है? आप कौन है? उनकी पत्नी है जी। कैसे मौत हो गई थी? दारू से। मिल गया चेक? जी हाँ जी, चेक मिल गया। कितने का चेक मिला? 4 लाख का। 4 लाख का। हाँ मिल गया, हाँ, मिल गया। क्या आप कौन है? पत्नी है कबीरनंद माझी के। कैसे मौत हो गई? जहरीली शराब से। जहरीली शराब जी। लास्ट मौत हो गई थी। आज चेक मिला है जी। तो परिवार का हो जाएगा पशुपालन जी। और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगी? कैसे मौत हो गई? किनकी मौत हुई? दारू से। किसकी? रामचंद्र माझी का, मंजू देवी के। चारों पट माता पिता के? माता पिता के। कितना पैसा मिला है? 8 लाख। 4-4 लाख रुपए जी। शराब से मौत हो गई? हाँ जी, शराब से। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। DM प्रणव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो भी सुन लीजिए। आप सभी जानते हैं कि मद्य निषेध नीति लागू है जिसके अंतर्गत सरकारी निर्णय के अनुसार वैसे पीड़ित परिवार जिनकी डेथ किसी शराब के पीने से हुई है उनको मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने 4 वैसे व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। और आज इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बैठक की थी सभी मुखिया सभी अधिकारियों की और जिसमें पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है और मुखिया जी लोगों से भी हम लोगों ने प्रतिवेदन प्राप्त किया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया कि जमीन उपलब्ध है, उनका प्रस्ताव मंगाकर शीघ्र पंचायत जो राजभवन है पंचायत सरकार भवन के लिए हम लोग प्रपोजल भेजेंगे। तो जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार में चेक सौंपा जा रहा है। 4-4 लाख रुपए परिवार वालों को दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में जहरीली शराब कांड हुआ था जिसमें कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जिसके बाद कई सवाल उठे थे। लेकिन सरकार ने घोषणा की थी, नीतीश सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी जहरीली शराब पिएगा उससे अगर उसकी मौत होती है तो सरकार मुआवजा देगी। 4-4 लाख रुपये का चेक दिया जाएगा। आज वो 4-4 लाख रुपये का चेक मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार ने दिया है। इस दौरान उन्होंने साफ साफ बताया कि इस तरीके से मद्य निषेध विभाग की ओर से ये किया गया है और परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है।